कभी सैफ अली खान के पापा नवाब पटौदी के प्यार में थी सिमी ग्रेवाल, इस वजह से नहीं हो पाई थी शादी। एक्ट्रेस सिमी ग्रेवाल अपने क्लासी और एक अलग तरह के खास अंदाज के लिए जानी जाती हैं। इंग्लैंड में पली बड़ी सिमी ग्रेवाल हमेशा व्हाइट कलर के आउटफिट्स पहने नजर आती हैं, जिसकी वजह भी उनसे अक्सर पूछी जाती है। दो बदन, मेरा नाम जोकर, सिद्धार्थ, कर्ज और साथी जैसी कई हिट फिल्मों में काम कर चुकी सिमी ग्रेवाल का बर्थडे 17 अक्टूबर को होता है। 17 अक्टूबर 1947 को सिमी का जन्म पंजाब में हुआ था, लेकिन उनकी परवरिश इंग्लैंड में हुई है। अपनी फिल्मों से ज्यादा सुर्खियां सिमी ने अपनी निजी जिंदगी की वजह से बटोरी हैं। दो सीरियस लव अफेयर्स और एक शादी के बाद भी सिमी ग्रेवाल अकेली हैं। सिमी ग्रेवाल ने दिल्ली के चुन्नामल घराने के रवि मोहन के साथ साल 1970 में शादी की थी, लेकिन ये शादी 3 साल से ज्यादा वक्त तक नहीं चल पाई थी। दोनों शादी के 9 साल बाद कानूनी रूप से अलग हो गए थे। इस शादी से पहले सिमी जामनगर के महाराज और मशहूर क्रिकेटर मंसूर अली खान के साथ भी सीरियस रिलेशनशिप में रही थीं। जी हां, सैफ अली खान के पिता मंसूर अली खान को भी सिमी ने दिल दे दिया था। सच तो ये है कि शर्मिला टैगोर नहीं बल्कि सिमी ग्रेवाल नवाब पटौदी की जिंदगी में आने वाली पहली बॉलीवुड एक्ट्रेस थी। दरअसल नवाब पटौदी जब क्रिकेट की दुनिया में शानदार पारी खेल रहे थे, तभी उनकी मुलाकात सिमी ग्रेवाल से हुई थी। इंग्लैंड में पढ़ी लिखी सिमी का इंग्लिश कल्चर की तरफ झुकाव था, वहीं मंसूर भी इंग्लिश कल्चर को पसंद करते थे। यही पसंद दोनों को करीब लाई थी। इसके बाद तो सिमी और नवाब पटौदी के प्यार को परवान चढ़ने में देर नहीं लगी थी। सिमी स्टेडियम में नवाब पटौदी के मैच देखने जाया करती थी। दोनों पार्टीज में एक साथ शिरकत भी करते थे। यहां तक कि आउटडोर शूटिंग में भी मंसूर सिमी के साथ जाने लगे थे। सिमी के व्यक्तित्व में जो क्लास, एलिगेंस और स्टाइल था, वह उन्हें नवाब खानदान की बेगम बनने के लिए एकदम परफेक्ट बनाता था। इसी बीच एक कॉमन फ्रेंड के जरिए मंसूर अली खान की मुलाकात शर्मिला टैगोर से हुई और सिमी ग्रेवाल को भुलाने में नवाब पटौदी ने देर नहीं लगाई। बताया जाता है कि ब्रेकअप करने के लिए नवाब पटौदी सिमी के घर पहुंच गए थे। मंसूर को देखकर सिमी ने उनसे नींबू पानी की पेशकश की थी। नींबू पानी का एक घूंट पीते ही उन्होंने सिमी से कहा, मुझे खेद है लेकिन मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमारे बीच अब सब खत्म हो गया है, मुझे कोई और मिल गया है। आप जानकर हैरान होंगे कि जिस वक्त मंसूर अली खान सिमी से ब्रेकअप की बात कर रहे थे, उस वक्त शर्मिला टैगोर उसी बिल्डिंग में लिफ्ट के पास खड़े होकर नवाब पटौदी का इंतजार कर रही थीं। तब सिमी और शर्मिला का आमना सामना भी हुआ था, लेकिन तब सिमी ने शर्मिला को देख कोई तमाशा नहीं किया था। बरसों बाद सिमी ने नवाब पटौदी और शर्मिला टैगोर ने सिमी ग्रेवाल के शो में शिरकत भी की थी और अब इन तीनों में से किसी ने भी अपने अतीत को लेकर कोई बात नहीं की थी।